गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू साइंस हेवन। आप सभी का फिर से स्वागत है और आज हम यहाँ पर बात करेंगे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको हम यहाँ पर आज देखेंगे। तो होप्स हो कि आप सभी यहाँ पर अच्छे होंगे और फटाफट से आप सभी आ जाइए यहाँ पर। चले तो क्लास को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वह कुछ इस तरीके से है। जो पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी बोन्स फाउंड इन ह्यूमन स्केलेटल और बॉडी, मानव कंकाल या शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जल्दी से आप सभी को आंसर बताना है कि आंसर जो हो जाएगा वो होगा कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो मानव शरीर में जो हड्डियां पाई जाती हैं, एक सेकेंड, ठीक है अब हम यहाँ पर देखते हैं, अब अच्छे से कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। ओके, मानव शरीर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो मानव शरीर में यहाँ पर पाई जाती है 206 हड्डियां। कितनी? 206 हड्डियां। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई भी अगर शिशु है या कोई भी इन्फेंट है, कोई भी एक छोटा बच्चा है, तो उसमें कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 300 हड्डियां पाई जाती हैं, लगभग 306 के आसपास या 300 हड्डियां वहां पर पाई जाती हैं। तो आंसर हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, 206 हमारा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहां पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर ह्यूमन बॉडी टोटल बोन्स आर, मानव शरीर में कुल हड्डियां कितनी है। अगेन आपका आंसर होगा 206 आंसर, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से यहां पर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं, वयस्क मानव में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, हाउ मेनी बोन्स आर फाउंड इन एडल्ट ह्यूमन। तो अगेन सेम ही आपका आंसर होगा और वो होगा 260, यानी कि बी ऑप्शन यहां पर फिर से आपका सही हो जाएगा, है ना। तो एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से पूछ रहा है यहां पर। अब कुछ नया क्वेश्चन यहां पर आया है। क्वेश्चन है कि मानव शरीर में जो सबसे लंबी हड्डी होती है, ध्यान रखिए क्या पूछ रहा है, लॉन्गेस्ट बोन, जो सबसे लंबी हड्डी होती है वह कौन सी होती है। अगर आप देखें ह्यूमंस, ठीक है, या फिर आप देखें यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड, या फिर देखें फीमर, या फिर आप देखें हिप बोन्स, तो कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा। आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर सी आंसर। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सी आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, फोर्थ का। अगर आप फीमर के बारे में बात करते हैं तो यह हमारी थाइस में होता है। कहाँ पर होता है, थाई में होता है, जिसको आप जांघ कहते हैं। जिसको क्या कह रहे हैं आप यहाँ पर, जांघ कह रहे हैं। तो जो सबसे लंबी हड्डी होती है यह काफी स्ट्रॉन्गेस्ट भी होती है, क्योंकि यह हमारी पूरी बॉडी का जो भार होता है, पूरी बॉडी का जो वेट होता है, उसको सहने का काम यह करती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, फीमर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं कि मानव कंकाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है। ह्यूमन स्केलेटल एग्जामिनेशन इज जनरली डन फॉर पावर, यानी कि ब्रेन पावर के लिए, इंटरनल एज के लिए, इंटरनल हाइट के लिए, या दांतों की कोई भी समस्या हो गई है उसके लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आंसर आपका हो जाएगा वो आएगा कि अगर हमें किसी भी मनुष्य का, किसी भी ह्यूमन बॉडी का इंटरनल एज देखना है, आंतरिक आयु देखना है, पता करना है कि उसकी जो इंटरनल एज है, आंतरिक आयु है, वह कितनी है, तो उसी को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, मानव कंकाल परीक्षण कहते हैं, ह्यूमन स्केलेटल एग्जामिनेशन हम यहाँ पर कहते हैं। तो इसीलिए जो आंसर यहाँ पर होगा वो क्या हो जाएगा, बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहां पर मूव करते हैं कि हमारे शरीर में कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं, हमारी बॉडी में कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर होगा बी आंसर। कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पर, बी आंसर। अगर आप देखें तो हमारी बॉडी के अंदर लगभग 656 के आसपास यहाँ पर डिफरेंट तरह की मांसपेशियां पाई जाती हैं। तो आप फटाफट से इसको नोट कर लीजिए यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन बनता है वह है, हमारे शरीर में कितनी कंकाल पेशियां पाई जाती हैं।
अब यह थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, क्योंकि यहाँ पर आप अंडरलाइन कर सकते हैं, पूछ रहा है कि स्केलेटल मसल्स यहाँ पर कितनी पाई जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर डी आंसर, लगभग 700 के आसपास। अब आप यहाँ पर यह पूछेंगे कि मैम, इससे पहले आपने बताया था कि हमारे शरीर में कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं, तो मैंने आपको आंसर बताया था 656, ठीक है, और यहाँ पर मैं बोल रही हूँ 700। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर पूछा जा रहा है कि टोटल टाइप ऑफ मसल्स, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात हो रही है, उन टाइप्स में भी कंकाल पेशियों के बारे में बात हो रही है, स्केलेटल मसल्स के बारे में बात हो रही है। तो स्केलेटल मसल्स होती क्या है? ऐसी मसल्स, ऐसी मांसपेशियां जो हमारी हड्डी से, हमारी बोन से बहुत ही अच्छे से चिपकी हुई होती हैं, और जैसे जैसे हमारा जो बोन होता है वह मूव करता है, बिल्कुल वैसे ही हमारी मसल्स भी मूव करती हैं और हमारी बॉडी भी मूव्स करती है। तो इसीलिए जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो क्या आंसर हो जाएगा? डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द हार्ड इनेमल लेयर ऑफ टीथ? दांतों की कठोर ताम्र चीनी परत किससे बनी हुई होती है? किससे बनी हुई होती है? तो काफी जो स्टूडेंट्स हैं वो आंसर करेंगे कैल्शियम फॉस्फेट। हाँ, उनका आंसर ठीक हो सकता है, लेकिन जो सबसे एक्यूरेट आंसर है वो है ऑप्शन बी। कौन सा है वह? ऑप्शन बी। अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेटाइट के बारे में बात करते हैं तो इसी से ही हमारा ताम्र चीनी यानी कि हमारा जो इनेमल है वह बना हुआ है। इस चीज को आप लोगों को ध्यान में यहाँ पर रखना है। अब हम बात करेंगे कि यह जो इनेमल होता है यह होता क्या है। इनेमल जो यहाँ पर लिखा है, ताम्र चीनी जो लिखा है, यह होता क्या है? तो इसको हम समझते हैं कि जब भी हम दांतों के बारे में बात करते हैं ना, तो दांतों के तीन भाग होते हैं। दांतों के तीन भाग होते हैं। जो दांत हमको बाहर की तरफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसको क्राउन कहा जाता है, मुकुट कहा जाता है, या फिर किरीट कहा जाता है। ठीक है, जो दांत आप लोगों की दिखाई देते हैं ना व्हाइट व्हाइट से, जब आप ऐसा करते हो तो आपको जो व्हाइट कलर के दांत दिखाई देते हैं। फिर आपका आ जाता है जबड़ा वाला हिस्सा, जो आपका जॉ है। जबड़े वाले हिस्से में जो दांत फंसा हुआ सा दिखाई देता है उसको हम नेक रीजन कहते हैं, यानी कि अगर आप हिंदी में बात करें तो इसको हम कह सकते हैं गला वाला रीजन या ग्रीवा रीजन, इसको हम यहाँ पर कह सकते हैं, ग्रीवा इसको हम यहाँ पर कहते हैं। फिर ये वाला जो हिस्सा आपका होता है इसको रूट्स कहते हैं, जड़े कहते हैं, और ये जो जड़े होती हैं यहाँ पर आप देखेंगे कि ब्लड का कनेक्शन होता है, यानी कि ब्लड वेसल्स यहाँ पर रूट्स में आकर के, जड़ों में आकर के आपको यहाँ पर दिखाई देती है। तो यहाँ पर जो बेसिकली हम बात करेंगे वो क्राउन के बारे में बात करेंगे कि जो आपको यहाँ पर दांत दिखाई दे रहे हैं, और ये जो दांत आपको दिखाई देते हैं यह बना हुआ होता है कैल्शियम फॉस्फेट से। लेकिन इसके ऊपर एक इस तरीके की लेयर होती है, इसके ऊपर एक इस तरीके की लेयर होती है, और वह जो लेयर होती है वह किसकी बनी हुई होती है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पेप्टाइड की बनी हुई होती है, और इसी को हम क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं, या फिर हम ताम्र चीनी, इसी को हम यहाँ पर कहते हैं। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि यह हमारी बॉडी की, मतलब हमारे जो पूरी की पूरी जो बॉडी है ना, जो ह्यूमन बॉडी है, उसमें से सबसे ज़्यादा यह हार्डेस्ट होता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा कठोर चीज़ हमारी बॉडी की कौन सी होती है, तो आपको आंसर करना है कि इनेमल होता है, ताम्र चीनी होता है। इसी वजह से जो हमारे दांत होते हैं वो शाइन करते हुए उनमें चमक भी आपको दिखाई देती है, और इसके साथ साथ आप यह देखेंगे कि जो वाइट कलर हमारे दांत का दिखाई देता है, जो सफ़ेद रंग हमारा दिखाई देता है, वो भी किसकी वजह से दिखाई दे रहा है? इनेमल की वजह से दिखाई दे रहा है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो इसीलिए जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आंसर आप बताएंगे कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाथी के दांत का कौन सा भाग हाथी के दांत में परिवर्तन हो जाता है? अगर हम हाथी को देख रहे हैं, हाथी के बहुत सारे दांत होते हैं, उनमें से कौन आगे जाकर के एलिफेंट टीथ बनाने का काम करता है?
तो चलिए नाइन्थ का यहाँ पर आप सभी को आंसर करना है, कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेकेंडरी टीथ। कौन सा आंसर हो जाएगा? सेकेंडरी टीथ। अब जो आप में से काफी जो स्टूडेंट्स हैं वह सोच रहे होंगे कि सेकेंडरी टीथ मतलब होता क्या है। अगर आप जनरली मैमल्स के बारे में बात करते हैं, यानी कि आप अगर स्तनधारियों के बारे में अगर आप बात करते हैं, तो स्तनधारियों में दो सेट में दांत निकलते हैं। एक होता है दूध का दांत या टेम्परेरी टीथ, और दूसरा टीथ होता है परमानेंट टीथ, है ना, परमानेंट टीथ, यानी कि जो अब आ गया है, तो अगर किसी ने मुक्का मार दिया तो टूट जा रहा है, एक्सीडेंट हो जा रहा है, या किसी बीमारी की वजह से वह निकल जा रहा है, नहीं तो वैसे तो वह हमारे दांत में परमानेंटली बना रहता है, तो इसी को हम यहाँ पर सेकेंडरी टीथ भी कहते हैं। तो अगर हम हाथी के दांत के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो बड़ा सा हाथी दांत आपको बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है, जिसका पोचिंग वगैरह किया जा रहा है, जिसका तस्करी वगैरह किया जा रहा है, तो वह दांत कौन सा होता है? आपको बताना है कि माध्यमिक दांत ही होता है, सेकेंडरी टीथ भी होता है। तो इसीलिए जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो कौन सा होगा? सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क के औसत वजन के बारे में चर्चा करनी है कि व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन अबाउट। तो अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे आंसर आपका होना चाहिए बी ऑप्शन। कौन सा आंसर होना चाहिए? बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होना चाहिए कि 1.36 किलोग्राम के आसपास ही हमारे मस्तिष्क का औसत वजन होता है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पेशी को संकुचित करने वाले प्रोटीन क्या कहलाते हैं? विच आर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इन एनी मसल्स, एनी मसल्स। तो जल्दी से इसका आंसर आप सभी अपने नोटबुक में लिख लीजिए कि डियर स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर यहाँ पर होगा वह ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब कैसे यहाँ पर सही हो जाएगा उसको हम समझते हैं कि जब भी हम बात करते हैं अपने पेशियों के बारे में, मसल्स के बारे में, तो मसल्स किस तरीके से काम करती है, मसल्स जो होगी वह किस तरीके से काम करती है, मसल्स काम करती है कि फैलना, ठीक है, फैलना और उसके बाद वापस आकर के संकुचित हो जाना, और इन दोनों का काम, यानी कि एक तरह से अपने आप को एक्सपेंड करती है, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी कि पहले फैलती है फिर सिकुड़ जाती है, है ना। इसी तरीके से तो पेशी काम करेगी, इसी तरह से तो हमारी जो मसल्स होती है वह काम करेगी। तो यहाँ पर यह देखना है कि एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन और मायोसिन दो ऐसे प्रोटीन होते हैं जो इनके अंदर कॉन्ट्रैक्ट टाइल करने का काम, संकुचित करने का काम कराते हैं। तो इसीलिए जो आंसर ए होगा वह बिल्कुल सही होगा। और जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर देख रहे हैं, एक बार इस चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और डेली आप लोग क्लास में आइए, और इस टाइम पे मैं आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कराऊंगी, जहाँ पर मुझे लगेगा कि एक्सप्लेन करना है, जो आपके NTPC और ग्रुप डी के एग्जाम में आ सकता है वो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। कल से मेरी क्लास डिजिटल बोर्ड में होगी, तो आप लोगों को मैं भी दिखाई दूंगी, किसी तरह की कोई तकलीफ आपको नहीं होगी। और आप यहाँ पर अभी इस टाइम पे नोट कर लीजिए कि डेली आपको क्लास में आना है, और मुझे नहीं फर्क पड़ता है कि 40 बच्चे आ रहे हैं या 4000 बच्चे आ रहे हैं, मैं उतने ही ईमानदारी से आपको पढ़ाऊंगी, पर आपको एक वादा करना होगा कि आपको डेली क्लास में आना होगा। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि निम्न में से किस पेशीय जंतु में बाह्य कंकाल नहीं होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हम यहाँ पर यह समझेंगे कि ये जो शब्द लिखा है कंकाल, स्केलेटन, यह होता क्या है। स्केलेटन की अगर हम बात करते हैं तो हमारी बॉडी को जो भी फ्रेमवर्क मिलता है, हमारी बॉडी का जो ढांचा बनाने का काम करता है वह क्या होता है? स्केलेटन होता है, कंकाल होता है, है ना। और हम कंकाल तंत्र के अंदर इसी को ही तो पढ़ते हैं। दूसरी बात यह है कि जो भी हमारा कंकाल बन रहा है वह दो चीजों से मिल करके बनता है। पहला होता है आपका बोन्स, है ना, जो आपकी हड्डी होती है जिसको आप अस्थि कहते हैं हिंदी में, और दूसरा होता है यहाँ पर कार्टिलेज,
क्या होता है? कार्टिलेज। हिंदी में इसको क्या कहा जाएगा? उपास्थि यहाँ पर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? उपास्थि यहाँ पर कहा जाएगा। स्केलेटन इसको, कंकाल इसको यहाँ पर कहा जाएगा। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि जो बोन होता है वो काफी कठोर होता है, जबकि जो कार्टिलेज होता है वह कैसा होगा यहाँ पर? आप बताएंगे सॉफ्ट होता है। हमारी बॉडी का पूरा ढांचा जो है मेनली बोन बनाने का काम करता है, लेकिन जो रिफाइनरी करने का काम होता है, जो अंगों को सुंदर बनाने का काम होता है, सॉफ्ट सॉफ्ट सा होता है, वह कार्टिलेज ही होता है। इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हमें ये तो पता चल गया कि ठीक है स्केलेटन क्या होता है, लेकिन स्केलेटन जब हमारी बॉडी में पाया जाएगा तो दो तरीके से पाया जाएगा, एक होगा एक्सोस्केलेटन, एक होगा एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन मतलब कि जब हड्डियों का या फिर कार्टिलेज का कुछ भाग बॉडी के बाहर दिखाई दे रहा है। एक्सो मतलब क्या होता है? बाह्य, बाहर दिखाई दे रहा है, तो उसको एक्सोस्केलेटन कहेंगे। अब जैसे हमारे अंदर की जो हड्डियां हैं उसको क्या कहा जाएगा? एंडोस्केलेटन, यानी कि अंतः कंकाल उनको यहाँ पर कहा जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं 12th नंबर के बारे में, तो यहाँ पर जो आंसर आपका होगा वह क्या होना चाहिए? ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल होना चाहिए। अब कैसे होना चाहिए उसको हम यहाँ पर समझते हैं। तो ए आंसर पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि ए ऑप्शन मैंने यहाँ पर क्यों बताया है। देखिए, सबसे पहले अगर हम एम्फीबियंस के बारे में बात कर रहे हैं, उभयचर के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर आप उनकी स्किन को देखते हैं तो वहां पर आपको बिल्कुल भी स्किन खुरदुरी नहीं दिखाई देती, काफी चिकनाई लिए हुई दिखाई देती है, स्मूथ दिखाई देती है, ठीक है, जैसे अगर आप मेढक का एग्जांपल देखते हैं। लेकिन अगर आप मैमल्स को देखते हैं तो मैमल्स में जो हड्डियां होती हैं वो एंडो और एक्सो दोनों तरीके से पाई जाती है। जैसे अगर हम अपनी बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर हड्डियां हैं, लेकिन अगर हम अपने नाखूनों के बारे में बात करते हैं तो ये क्या है? ये भी तो एक तरह का कैल्शियम का बना हुआ प्रोडक्ट है, तो ये हमारी बॉडी के बाहर दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है? एक्सोस्केलेटन। ये क्या है? बाह्य कंकाल का स्वरूप है। और इसके अलावा अगर आप शाही या प्लेटिप्लेटस जैसे अलग अलग मैमल्स के बारे में बात करते हैं, है ना, तो उनके बाहर की तरफ अगर आप देखो तो इस तरीके से स्पाइंस की तरह कांटे निकले हुए होते हैं, तो वो भी तो स्तनधारी है ना, तो उनमें भी क्या निकला हुआ है? एक्सोस्केलेटन निकला हुआ है। पक्षियों की अगर आप बात करते हैं तो पक्षियों के क्लोज वगैरह होते हैं, नाखून वगैरह होते हैं, उनके पंजों का आप देखो कैसे होते हैं, तो वहां पर भी निकला हुआ होता है। कुछ मछलियां होती हैं जिनको हम कॉन्ड्रिकाइट्स कहते हैं, उनमें भी इस तरह का स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। तो ऑप्शन की अगर हम बात करें तो किसमें नहीं होता है, तो उभयचर में नहीं होता। क्या? एक्सोस्केलेटन, बाह्य कंकाल नहीं होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ रिब्स, जो सबसे ज्यादा कशेरुकी किसमें पाया जाता है, सबसे ज्यादा जो कशेरुकी होते हैं वह किसमें पाया जाता है? चलिए जल्दी से इसको हम यहाँ पर नोट करेंगे, फटाफट से हम इसको यहाँ पर नोट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर यहाँ पर होगा वह बी आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? बी आंसर यहाँ पर हो जाएगा, बी आंसर सांप। सांप की अगर हम बात करते हैं तो क्या इसके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है? आप बताएंगे कि हाँ बिल्कुल, इनके अंदर एक वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है इस तरीके से। और जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कशेरुकी के बारे में, वर्टिब्री के बारे में, तो इस तरीके से वहां पर वर्टिब्री लगी हुई होती हैं, छोटी छोटी सी, ठीक है। और इन्हीं की वजह से यह कैसा होता है, काफी अच्छे से फ्लैक्सिबल होते हुए यह घूम सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। और आपने देखा है कि जो सांप होता है वह कुंडली मार करके बैठ जाता है ना, आपने देखा होगा कि जो सांप होता है वह कुंडली मार करके बैठ जाता है। तो कुंडली मार के वह क्यों बैठता है, है ना? इतना देखो, अगर बहुत बड़ा सांप है तो वो बिल्कुल इतना रोटेट होकर के, हेलिक्स बना के, कुंडली मार के क्यों बैठ जाता है? क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा कशेरुकी है। अगर कम होती तो होता कि बीच में से टूट गई उसकी रीढ़ की हड्डी। तो जो भी बॉडी की फ्लैक्सिबिलिटी होती है, जो भी बॉडी को जो हम झुकाते हैं, जैसे हम अगर अपनी बात करें, हम डांस करते हैं, मूव करते हैं, नीचे झुकते हैं, आगे पीछे एक्सरसाइज करते हैं, तो ये सारी चीजें क्यों हो पा रही हैं? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी कशेरुकी है ना, हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें भी बहुत सारी कशेरुकी
रुकी है। तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि जब हमारी बॉडी के बारे में बात हो तो नंबर ऑफ द वर्टिब्री पूछा जाता है कि हमारी बॉडी में कितनी कशेरुकी होती है, हमारी रीढ़ की हड्डी में जो हड्डियां होती हैं वो तो 26 होती हैं आपको पता होगा, लेकिन अगर कशेरुकी के बारे में बात हो रही है, अगर वर्टिब्री के बारे में बात हो रही है तो आंसर आपका क्या होना चाहिए, यहां पर 33 यहां पर आंसर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। विजडम मोलर इज बुद्धि के दांत किसे कहा जाता है, बुद्धि के दांत यहां पर किसे कहा जाता है। चलिए चौदहवें नंबर, ठीक है जल्दी बताइए इसका आंसर कौन सा आंसर सही हो जाएगा। 14th का आंसर आपको यहां पर बताना है, 14th का आंसर आपको यहां पर बताना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो आंसर हो जाना चाहिए वो होना चाहिए 4th मोलर, क्योंकि लास्ट मोलर होता है इतना हमें पता है ना, लास्ट मोलर होता है। तो लास्ट मोलर जो होता है, अगर आप अपने विजडम मोलर के बारे में बात करते हैं तो हमको बहुत अच्छे से पता है कि चवर्णक चार होते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वह डी आंसर होगा, काफी जगह तृतीय चवर्णक लिखा हुआ है लेकिन आपको जो आंसर करना है वह क्या करना है, 4th मोलर चतुर्थ चवर्णक आपको आंसर करना है। आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा कि जो भी हमारे दांत होते हैं वह चार तरह के होते हैं। पहला जो होता है वो होगा इंसिसर, हिंदी में जिसको क्या कहा जाता है, कृंतक कहा जाता है। दूसरा आएगा आपका केनायन, जिसको आप कहते हैं यहाँ पे रदनक। फिर आपका आता है प्री मोलर और सबसे लास्ट में आता है मोलर। प्री मोलर को क्या कहा जाता है हिंदी में, अग्र चवर्णक कहा जाता है, और मोलर की अगर हम बात करें तो चवर्णक इसको कहा जाता है ना। तो जो आपके सामने की जो दांत आपको दिखाई देते हैं वो क्या हो गए, इंसिसर हो गए, है ना। जब आप ई इस तरह से करते हो तो सामने जो आपका खरगोश वाला दांत दिखाई देता है इंसिसर इसको कहा जाता है। और ये जो दांत होते हैं वो क्या करते हैं, कटिंग करने का काम करते हैं। अगर आप किसी चीज को चॉपिंग कर रहे हैं, कट कट करके काट रहे हैं, तो वो क्या हो गया आपका, इंसिसर हो गया। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है केनाइन। केनाइन की अगर हम बात करते हैं तो आप यहाँ पे देखो कि एक हिंसक पशु की तरह, है ना, एक एग्रेसिव कार्निवोर्स की तरह हमारे यहाँ पर दांत है ना। यहाँ पे साइड में जो दांत है उसको क्या कह रहा जा रहा है, केनाइन कहा जा रहा है, रदनक कहा जा रहा है। तो जो रदनक वाला जो दांत होता है वह किसी भी चीज की चीड़ फाड़ करने के लिए यूज किया जाता है। और मोलर और प्री मोलर की अगर हम बात करते हैं तो मोलर और प्री मोलर्स क्या है, यह काम करते हैं ग्राइंडिंग करने का, किसी भी चीज को धीरे धीरे से जो भी हम खा रहे हैं उसको पीसने का काम यह करते हैं। और अगर हम एट द लास्ट बात करते हैं विजडम मोलर के बारे में तो यह क्या है, सबसे लास्ट वाले ही हमारे मोलर टीथ होते हैं। नेक्स्ट होता है, काफी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या इसका हमारी बुद्धि से कोई लेना देना है, हमारी विजडम से कोई लेना देना है। आप बताएंगे बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कोई भी लेना देना इसका हमारी बुद्धि से नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जो आपका यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ऑस्टियोसिस्ट। ऑस्टियोसिस्ट फाउंड इन, ऑस्टियोसिस्ट किसमें पाया जाता है, ऑस्टियोसिस्ट किसमें पाया जाता है। तो काफी यह इजी क्वेश्चन है, अगर हम 15th के बारे में बात करते हैं तो यह काफी इजी क्वेश्चन है। आंसर जो आपका होगा वह यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा, हड्डी यानी कि बोन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑस्टियोसिस्ट कैसे होगा इसको हम समझते हैं, ऑस्टियो और सिस्ट। सिस्ट, सिस्ट मतलब होता है सेल, हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको क्या कहा जाता है, कोशिका कहा जाता है। और ऑस्टियो की अगर हम बात करते हैं तो इसको क्या कहा जा रहा है, बोन कहा जा रहा है, हड्डी, है ना, हड्डी या अस्थि कहा जा रहा है। तो हड्डी में पाई जाने वाली सेल्स या ऐसी सेल्स जो आगे जाकर के बोन बनाएंगी, दोनों ही मतलब में आप उसको क्या कहेंगे, ऑस्टियोसिस्ट कहेंगे। ठीक है, तो आंसर जो आपका होगा वह क्या हो जाएगा, ए आंसर यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, द ट्रांसवर्स कोलन इज द पार्ट ऑफ, अनुप्रस्थ वृहदांत्र किसका हिस्सा है, किसका यह हिस्सा है। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे इसका, यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम यहाँ पर बात करते हैं बड़ी आंत के बारे में, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो जो भी हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है वह मुख्य रूप से दो भागों में बटी हुई होती है। पहले होता है यहाँ पर कोलन, जिसको क्या कहा जाता है, वृहदांत्र कहा जाता है। और दूसरे नंबर पर होता है रेक्टम, जिसको क्या कहा जाता है, मलाशय कहा जाता है। तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि जो कोलन वाला जो हिस्सा है वह क्या कहा जाएगा, तो आंसर आपका होना चाहिए कि वह आपका लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाएगा। और अगर आप देखो ना,
तो इस तरह का स्ट्रक्चर आप देखते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर आप देखते हैं। तो यहां से लेकर के यहां तक का जो पूरा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है वो कोलन का होता है, जबकि इतना जो हिस्सा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वह किसका हो जाएगा, आप बताएंगे, मलाशय का हो जाता है। इस चीज को आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो फटाफट से इसको आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। तो आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमने कहाँ तक देख लिया इसको, यहाँ पर 15वें क्वेश्चन तक हमने इसको यहाँ पर देख लिया है। चलिए आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि द ऑसिपिटल इज द रीजन विच इज फाउंड इन। अगर आपसे यह पूछा जाता है कि ऑसिपिटल वाला जो हिस्सा होता है वह कहाँ पर पाया जाता है, वह कहाँ पर पाया जाता है। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे इसका, यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आंसर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आंसर जो होगा इसका वह खोपड़ी यहाँ पर आंसर सही होगा, स्कल यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जो ऑसिपिटल वाला जो हिस्सा हो, अगर हम खोपड़ी के बारे में बात करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा अलग अलग डिफरेंट तरह के रीजन्स होते हैं, और उसी में से ही एक हिस्सा होता है यहाँ पर ऑसिपिटल ऑफ द ब्रेन या स्कल। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि किसकी हड्डियाँ वायविक होती हैं, बोन्स आर न्यूमेटिक इन। अब आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा कि जो भी हड्डियाँ होती हैं वह कैसी होती हैं, अंदर से खोखली होती हैं। लेकिन कुछ जो जानवर होते हैं, कुछ जो जंतु होते हैं, उनके अंदर अगर हम हड्डियों के बारे में बात कर रहे हैं तो उनकी जो हड्डियां होंगी वो कैसी होंगी, बहुत ही ज्यादा पोरस होंगी, बहुत ही छिद्रयुक्त होंगी, और उसमें हवा भरने के लिए अलग अलग जोन्स होंगे, और यह उनको उड़ने के लिए काफी हेल्प देती है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, पक्षी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा, डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फटाफट से आप सभी यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि जो डी ऑप्शन होगा वह यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। पक्षियों की जो हड्डियां होती हैं वह कैसी होती हैं, न्यूमेटिक होती हैं, वायवीय वह होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि व्हाट डज इनेमल कवर, ताम्र चीनी क्या कवर करती है। अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पर कि जो ताम्र चीनी होती है वह क्या होती है, इनेमल है ना, और इनेमल किसको कवर करती है, इनेमल किसको कवर करती है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था। और आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्राउन ऑफ द टूथ, दांत का जो मुकुट होता है, क्राउन ऑफ द टूथ, यही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो दांत के मुकुट को यह यहाँ पर कवर करती है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं कि एक इंसान में कशेरुकों की कुल संख्या कितनी होती है, द टोटल नंबर ऑफ द वर्टिब्री इन द ह्यूमन बींग्स। अगर आपको याद हो अभी जस्ट मैंने 2-3 क्वेश्चन से पहले ही आपको बताया था कि एक इंसान के बारे में बात हो रही है तो उसके अंदर जो वर्टिब्री होंगी वह कितनी होंगी, 33 होंगी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। लेकिन यहाँ पर नोट कर लीजिए कि अगर वह पूछ रहा है कि मेरुदंड में कितनी अस्थियां हैं, अगर वो ऐसा पूछ रहा है, या फिर वो पूछ रहा है टोटल बोन्स ऑफ बैकबोन, है ना, मतलब आप यहां पर देखना टर्म पूछ रहा है अस्थि या पूछ रहा है बोन, तो उस टाइम पे आपका आंसर कितना होना चाहिए, 26 आंसर होना चाहिए। कितना आंसर होना चाहिए, 26 आंसर होना चाहिए। तो इस चीज को आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिए। तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि जब भी आपसे पूछा जाता है कि वर्टिब्रे कितना हो तो आंसर आपको करना है 33, लेकिन जब बोन्स लिखा हुआ हो, अस्थि लिखा हो कि रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां होती हैं तो आपको बताना है कि टोटल 26 होती हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं कि इन ह्यूमन बॉडी द लॉन्गेस्ट बोन इज इन द, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन था कि जो फीमर होती है वह सबसे लंबी होती है, फीमर जो होती है वह सबसे लंबी होती है, और लंबी होने के साथ साथ यह कहाँ पर प्रेजेंट होती है, यह हमारी थाइस में होती है, हमारी जांग में होती है। तो इसीलिए जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा वह कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा, जांग, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, इन जोड़ों में से कौन सा एक काज संयुक्त है, Which of the following joint is a hinge joint? चलिए जल्दी से इसको आंसर करेंगे, यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा अगर हम यहाँ पर 22वें नंबर के बारे में बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर जो हमारा होगा वो होगा एल्बो, बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, कोहनी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा, या कोहनी जो भी आप बोलते हैं वह यहाँ पर सही आंसर होगा। तो जहाँ पर भी हम हिंज ज्वाइंट के बारे में बात करते हैं, काज संयुक्त के बारे में बात करते हैं, या कई बार इसको कब्जा संधि भी कहा जाता है, क्या कहा जा रहा है, कब्जा संधि भी इसको कहा जा रहा है, तो आप देखेंगे कि यह सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम करता है। जैसे कि अगर आप बात करें यह आपका हाथ है तो आप देख सकते हो कि यह सिर्फ इसी तरीके से एक ही प्लेन में काम कर रहा है ना, यह उल्टा इस तरीके से नहीं मुड़ सकता है, तो इसी को क्या कहा जाता है, हिंज ज्वाइंट कहा जाता है, कब्जा संधि कहा जाता है इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर कि मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि अगर हम यहाँ पर इनिमल के बारे में बात करते हैं, ताम्र चीनी के बारे में बात करते हैं, तो यह हमारी बॉडी का सबसे कठोर, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस यह होता है। तो फटाफट से नोट कर लीजिए, जिनको नहीं पता है वह इसको यहाँ पर नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं जल्दी से कि शरीर की सबसे मजबूत हड्डी किसमें मौजूद होती है, द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी। चलिए जल्दी से फटाफट बता दीजिए यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स इसका जो आंसर होगा वो अगेन थाइस होगा, क्योंकि फीमर ही यहाँ पर सही आंसर होगा। आप में से कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि मैम जबड़ा भी हो सकता है, जॉ भी हो सकता है, आप गलत बता रहे हो, लेकिन जबड़ा जो होता है वो हमारी सेकेंड प्रायोरिटी होती है। अगर हमको ऑलरेडी ऑप्शन में जांग दिया हुआ है तो हम थाइस दिया हुआ है यानी कि फीमर दिया हुआ है तो उसे ही हम यहाँ पर टिक करेंगे। अगर बाय चांस आपका फीमर नहीं है, फीमर नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में, तब आपको यहाँ पर किसको टिक करना है, जबड़ा को टिक करना है, नहीं तो जो आंसर होगा वो आपका हमेशा फीमर यानी कि जांग ही यहाँ पर सही आंसर होना चाहिए। तो इसीलिए जो आंसर यहाँ पर होगा वह ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इस चीज को आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं, एक व्यस्क मानव में सामान्य रूप से होते हैं, अगर हम किसी भी एडल्ट ह्यूमन के बारे में बात करते हैं तो उसके अंदर कितने मोलर्स पाए जाते हैं, कितने मोलर्स पाए जाते हैं। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे इसको यहाँ पर, कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स अगर कोई भी एक व्यस्क पुरुष है या व्यस्क नारी है, नॉर्मल है, तो उसके अंदर हम देखेंगे कि 12 मोलर टीथ हमको यहाँ पर टोटल दिखाई देते हैं, कितने दिखाई देंगे, 12 मोलर टीथ हमको यहाँ पर दिखाई देते हैं, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है संयोजी ऊतक जो एक मांसपेशी को हड्डी से जोड़ती है, और मैं बता देती हूँ कि यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक हमें ऐसे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बताना है जो मसल्स को बोन से जोड़ता है, जो एक मांसपेशी को किससे जोड़ रहा है, हड्डी से जोड़ रहा है, और ये क्वेश्चन सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है, और इसका जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, टेंडोन यहाँ पर आंसर होगा, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो फटाफट से नोट कर लीजिए, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। तो देखिए काफी जो स्टूडेंट्स हैं वह टेंडोन और लिगामेंट में अंतर नहीं कर पाते हैं,
टेंडोन की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा टेंडोन है वह मसल्स और बोन को जोड़ने का काम करता है, पेशी और हड्डी को जोड़ने का काम करता है। जबकि लिगामेंट के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो जो लिगामेंट होगा वह क्या काम करेगा, बोन को बोन से जोड़ने का काम करेगा, हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करेगा। तो ये जो दो पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर लिखवाए हैं ना, इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिए क्योंकि यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मसल्स और बोन को जोड़ने वाला जो कनेक्टिव टिश्यू है वह कौन सा है, तो आंसर करना है टेंडोन। और अगर आपसे पूछा जाए बोन टू बोन यानी कि हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला, तो आंसर आपको करना है यहाँ पर लिगामेंट। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था मनुष्य के अंदर चार प्रकार के दांत होते हैं, कौन कौन से, इंसिसर, कैनायन, प्री मोलर एंड मोलर। आपको जस्ट मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि अगर हम बात करते हैं किसके बारे में कि जो भी आपका कृंतक है, रत्नक है, अग्रचवर्णक है, चवर्णक है, तो चार प्रकार के अलग अलग दांत आपको ह्यूमन बॉडी में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट होगा वो होगा कि हमारी हड्डियाँ दांत हैं और आम तौर पर किससे बनी हुई होती हैं। अवर बोन्स आर टीथ आर जनरली मेड अप ऑफ। चलिए जल्दी से इसका आंसर देखेंगे हम यहाँ पर, कौन सा आंसर 28 का यहाँ पर सही आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर यहाँ पर होगा ए आंसर, यानी कि ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से ही हमारे दांत बने हुए होते हैं जो एक तरह से हड्डी का प्रकार है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर मूव करते हैं, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तनधारियों में श्वेत ग्रंथियों का मुख्य क्या कार्य होता है। अगर आप देखें तो जो स्वेट ग्लैंड होती है ना, स्वेट ग्लैंड जो पसीना निकालती है वह हमारी बॉडी में होती है। हम जो मैमल्स होते हैं, हम जो स्तनधारी होते हैं, हमारी बॉडी में क्या है, स्वेट ग्लैंड पाई जाती हैं। तो जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं उनका जो मुख्य कार्य होता है वह क्या होता है, जो पसीना निकल रहा है हमारा उसका क्या मुख्य कार्य होता है। तो आंसर आपको करना है यहाँ पर सी आंसर, थर्मो रेगुलेशन। क्या काम होता है, थर्मो रेगुलेशन। अब देखिए इसमें ना हम एक काम करते हैं, इस वर्ड को दो तरीके से बांट करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक होता है आपका थर्मो और एक होता है आपका रेगुलेशन। थर्मो, थर्मो मतलब क्या हो गया आपका टेम्परेचर यानी कि तापमान, और रेगुलेशन मतलब क्या हो गया यहाँ पर कंट्रोल करना या फिर नियंत्रण करना। तो इसका यह मतलब है कि जो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है, जो आपकी बॉडी के तापमान को पूरी तरीके से नियंत्रित कर रहा है, वही यहाँ पर क्या कहला रहा है, थर्मो रेगुलेशन कहला रहा है। तो जब हम थर्मो रेगुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो जो स्वेट ग्लैंड होती हैं, जो पसीना होती हैं, वह हमारा क्या काम कर रही है, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर रही है। और यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स आए हुए हैं उनसे मैं एक बात यह कह दूँ कि एक और क्वेश्चन यहां पर पूछता है कि सबसे ज्यादा स्वेट ग्लैंड्स कहां पर होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो आपका आंसर होना चाहिए यहां पर हथेली, है ना, जो हमारी ये हथेली होती है ना, ये जो हथेली होती है हमारी, इसी में ही सबसे ज्यादा स्वेट ग्लैंड होती है। तो आपने देखा होगा कि जब पसीना आता है तो सबसे ज्यादा जो पसीना आता है वो आपके यहीं पर सबसे ज्यादा पसीना आता है ना। तो काफी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम हमारे हथेलियों में इतना पसीना क्यों आता है, क्योंकि ये आएगा, ये नॉर्मल है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है सबसे ज्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। हमारे शरीर का वजन ज्यादातर बनता है, वेट ऑफ अवर बॉडी इज मोस्टली मेड अप ऑफ। चलिए जल्दी से यहाँ पर देखेंगे कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए, पानी। ठीक है, क्या आंसर होना चाहिए, डी ऑप्शन यहाँ पर सही होना चाहिए। अब आप सभी जो बच्चे हैं, सच सच बताना, आपके मन में यह आया होगा कि हड्डी से, बिल्कुल हड्डी से तो होता ही है, लेकिन हमारी जो पूरी पानी, जो पूरा बॉडी वेट है उसका लगभग 70-72% यानी कि 72% तक का जो वेट होता है वह कौन यहाँ पर बताता है, आप बताएंगे कि पानी से ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन बॉडी कंटेन, मानव शरीर में होता है लगभग 70% वाटर होता है,
20-30% वाटर होता है, 10-20% वाटर होता है, या फिर 30-40% वाटर होता है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, आंसर की अगर हम बात करें तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कि 70-72% 72% यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही होगा, तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है वह जल्दी से इसको नोट कर लेंगे, ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलो अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यस्क मानव शरीर में पानी का प्रतिशत लगभग कितना होता है? अभी देखो जस्ट मैंने आप लोगों को बताया था, चलिए जल्दी से इसका आंसर आप अपनी नोटबुक में लिखिए, फिर देखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स ने इसका आंसर यहाँ पर सही किया होगा। तो आंसर इज 65, क्या हो जाएगा 65। अब आप कहोगे कि मैम जब 70 आप कह रही हैं तो 75 होना चाहिए ना, लेकिन नहीं, हम यहाँ पर 65 को कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को मैंने इसीलिए क्वेश्चन रख दिया है इसमें कि कई बार इस तरह का अलग से भी क्वेश्चन, कुछ अजीब अजीब से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन यहाँ पर ठीक है, अगर 70% होता तो वो बेस्ट आंसर होता, तो उसका कोई लॉजिक भी होता, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है, तो 65% यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हम इसी को कंसिडर करेंगे। एग्जाम में 65 ही लगा करके आना, कोई भी 75 मत लगाना, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं, मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? द मोस्ट एब्यूडेंट एलिमेंट फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी इज आयरन, सोडियम, ऑक्सीजन या फिर आयोडीन। चलिए चलिए से आंसर करेंगे इसका, यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा। इसके आंसर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर होना चाहिए ऑक्सीजन। कौन सा आंसर यहाँ पर होना चाहिए? ऑक्सीजन, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर हम अपनी बॉडी को देखें तो हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, और बॉडी में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, और वाटर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। वाटर क्या है? H2O है ना, तो O क्या है? ऑक्सीजन। तभी भी आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा होता है इन चारों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्व की अधिकतम मात्रा कौन सी होती है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द एलिमेंट फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। अगर हम अपने ह्यूमन बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं, जो हमारा पूरा का पूरा जो मानव शरीर आपको दिखाई दे रहा है, तो चार ऑप्शन में से आयरन, सोडियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में पाया जाएगा? तो जल्दी से आंसर करेंगे, बिल्कुल ठीक बात है, आंसर की अगर हम बात करते हैं तो आंसर जो हो जाएगा वो डी आंसर। क्यों? क्योंकि कैल्शियम की मात्रा वैसे भी बहुत ज्यादा होती है, और जब हम अपने हड्डियों के बारे में बात करते हैं, बोन्स जो है, बोन्स में भी काफी ज्यादा डेंसिटी जो होगी वह कैल्शियम बना करके देता है। घनत्व जो होगा वो सबसे ज्यादा कौन बना के देता है? आप बताएंगे कैल्शियम ही बना के देता है। तो यहाँ पे आंसर की अगर हम बात करें तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहां पर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में अधिकतम मात्रा में पाया जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज फाउंड इन मैक्सिमम अमाउंट इन ह्यूमन बोन्स। ह्यूमन बोन्स की अगर हम बात कर रहे हैं, मानव शरीर की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो उनमें कौन सा लवण पाया जाता है, उनमें कौन सा सॉल्ट सबसे ज्यादा पाया जाता है, और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर? सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप लोग नोट कर सकते हैं कि कैल्शियम फॉस्फेट की अगर हम बात करते हैं तो हमारे बोन्स में सबसे ज्यादा जो सॉल्ट पाया जाता है, जो लवण पाया जाता है, वह कैल्शियम फॉस्फेट होता है, ठीक है। तो फटाफट से नोट कर लीजिए वो क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, मानव शरीर में पैर की हड्डी कौन सी है? अगर हम लेग बोन के बारे में बात करते हैं तो लेग बोन जो होता है वह किस तरीके का होता है, वह किस तरीके का होता है? आप बताएंगे अंदर से खोखला होता है। कैसा होता है? अंदर से खोखला होता है। तो अगर आप जब भी लेग बोन पर पैर की हड्डी के बारे में बात कर रहे हैं तो जो आंसर होगा वह क्या होगा? ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, बिल्कुल वह खोखला यहाँ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्जरी में आर्थोप्लास्टी क्या है? जब भी हम किसी भी सर्जरी के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पर एक टर्म का यूज किया जाता है जिसका नाम है आर्थोप्लास्टी। तो आर्थोप्लास्टी मतलब क्या होता है?
तो डियर स्टूडेंट्स, यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया है, इसको मैं बता देती हूँ। और जो आंसर यहाँ पर होगा वह सी आंसर होगा, हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट। जब कुल्हे की हड्डी में जो जोड़ होता है उसका रिप्लेसमेंट किया जाता है, हिप्स में जो ज्वाइंट होता है उसका रिप्लेसमेंट किया जाता है बैक साइड में, तो उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, आर्थ्रोप्लास्टी कहते हैं। तो ये आप लोगों के लिए एक तरह से नया क्वेश्चन है, तो फटाफट से इसको आप नोट कर लीजिए कि आप जो जब भी आर्थ्रोप्लास्टी पूछा जाए तो इसका मतलब है हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, हिप जोड़ प्रतिस्थापना। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। द बोन्स आर हेल्ड टूगेदर बाय इलास्टिक टिश्यूज आर कॉल्ड, लोचदार ऊतकों द्वारा जब हड्डियों को एक साथ रखा जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है। देखिए, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था हड्डियों को एक साथ रखना, यानी कि एक बोन यहाँ पर है, दूसरी बोन यहाँ पर है, और इन दोनों को जोड़ करके रखने वाला काम कौन करता है। अभी जस्ट मैंने बताया था ना, बोन टू बोन क्या होता है, वह लिगामेंट होता है, स्नायु बंधन होता है। और इससे जस्ट पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि बोन्स और मसल्स को जोड़ने वाला टेंडोन होता है, लेकिन बोन को बोन से जोड़ने वाला कौन होता है, यहाँ पर लिगामेंट होता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए, अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि द प्लेसेस फॉर्म्ड ऑन द टीथ आर मेड अप ऑफ, दांतों पर जो पट्टिकाएं बन जाती हैं वह किसकी बन जाती हैं, वह किसकी बन जाती हैं। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे, यहाँ पर कौन सा आंसर 39th का यहाँ पर सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो आंसर होगा वह डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा कि फूड पार्टिकल्स प्लस सलाइवा प्लस माउथ एसिड प्लस बैक्टीरिया। इसका मतलब जब आपके दांतों में बहुत ज्यादा फूड पार्टिकल फंस रहे हैं, उसके साथ आपके लार की कुछ मात्रा फंस जाती है, कुछ आपके मुंह से जो एसिड निकलता है वह फंस जाता है, और उसमें बैक्टीरिया क्या कर रही है, सड़न पैदा कर रही है, तब आपकी बॉडी में प्लगिस हो जाते हैं, पट्टिकाएं हो जाते हैं। आपने देखा है कई बार पत्थर जैसा जमा हुआ आपके दांतों में दिखाई देता है ना, और फिर वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, एकदम टाइट हो जाता है, सॉलिड हो जाता है ना, और फिर वो पत्थर दांत जैसा हो जाता है अंदर की तरफ, अगर आप देखें तो ज्यादातर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उसका जो रीजन है वो क्या है, डी ऑप्शन, क्या है, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। नो पेन इज फेल्ट व्हेन कटिंग द नेल्स बिकॉज, जब हम अपने नाखूनों को काटते हैं तो हमें कोई भी दर्द क्यों नहीं महसूस होता है, हमें कोई भी दर्द क्यों नहीं महसूस होता है। चलिए जल्दी से इसके आंसर को आप लोग नोट करिए अपने नोटबुक में, फिर मिलाते हैं कि किसका किसका आंसर यहाँ पर सही होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आंसर जो इसका होगा वह ए आंसर होगा, बिकॉज नेल्स आर मेड अप ऑफ द मटीरियल ऑफ द डेड सेल्स। याद रखना, डेड सेल्स, जो नाखून होते हैं वह मृत कोशिकाओं की सामग्री से बने हुए होते हैं, और इनमें नो ब्लड सर्कुलेशन, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी रक्त परिसंचरण नहीं होता है, किसी भी तरह का रक्त परिसंचरण नहीं होता है। तो नाखून जो है वो कैसे हैं, मृत हैं, और इनमें किसी भी तरह का रक्त परिसंचरण, किसी भी तरह का ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। तो इसीलिए जब आप नाखून काटते हो तो आपको कोई दर्द नहीं होता। लेकिन अगर नाखून को उखाड़ दे, काटने और उखाड़ने में अंतर है ना भाई, काट रहे हो आप नेल कटर से बड़े सुंदर से बना के, लेकिन पकड़ करके कोई खींच दे, या गलती से आपने देखा होगा कि जब एक छोटा सा नाखून टूटता है वो किसी चीज से फंस करके पूरा उखड़ जाए तो ब्लड भी आता है। क्यों? क्योंकि इधर नीचे की तरफ, रूट्स की तरफ अगर आप बात करें तो वहां पर तो भाई देखो ब्लड सर्कुलेशन होता है, लेकिन ऊपर अगर आप टिप के बारे में बात करें जो कि बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वहां पर किसी भी तरह का कोई भी रक्त परिसंचरण नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर मूव करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्म बोन्स एंड टीथ, निम्नलिखित में दांतों और हड्डियों के निर्माण में से किसकी जरूरत होती है। अगर हमें हड्डी और दांतों के निर्माण के बारे में बात करनी है, बोन्स और टीथ के बारे में बात करनी है, तो किसकी जरूरत यहाँ पर होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आंसर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो आंसर जो हो जाएगा वह डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, कैल्शियम और फॉस्फोरस। किसकी जरूरत हमें होती है यहाँ पर, कैल्शियम और फॉस्फोरस की हमें यहाँ पर काफी ज्यादा जरूरत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व हड्डियों और दांतों के निर्माण और मजबूती के लिए नहीं है। ठीक है, पकड़ो इसको, क्या लिखा है यह, नहीं है, नॉट, नॉट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग
न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स इज नॉट फॉर फॉर्मेशन एंड स्ट्रेथनिंग ऑफ बोन्स एंड टीथ। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे इसका यहाँ पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर होगा वह डी आंसर होगा, आयोडीन। ठीक है, देखिए कैल्शियम और फॉस्फोरस हमें पता है हमारी हड्डियों को बनाता है, उनको पोषित करता है, उनको न्यूट्रिएंट देता है। फ्लोरीन की अगर हम बात करते हैं तो दांतों को अगर स्वस्थ रखना है तो फ्लोरीन की एक उचित मात्रा होना जरूरी है, लेकिन आयोडीन का इससे कोई संबंध नहीं है। आयोडीन का संबंध होता है हमारे जो आपका थायरॉइड ग्लैंड होती है ना, उससे संबंधित होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, डी आंसर हो गया। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं कि द नंबर ऑफ द टीथ दैट आर डेवलप्ड ट्वाइस इन द लाइफ टाइम ऑफ ह्यूमन बींग, मनुष्य के जीवन काल में दो बार विकसित होने वाले दांतों की संख्या कितनी है। वे भाई बड़ा कमाल का यह क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा। आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर सी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कैसे सही होगा इसको हम समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम बात करते हैं अपने जीवन काल के बारे में तो जो भी हमारा जीवन काल होता है उसमें दो बार दांत आते हैं, इसीलिए हमारे जो दांत होते हैं मेनली वो क्या होते हैं, डाइफाइकोडोंट होते हैं। दो बार दांत आते हैं, दो सेट में आते हैं, एक होता है मिल्क टीथ यानी कि दूध वाला दांत जिनका नंबर होता है 20, और जो परमानेंट टीथ होता है जो हमारा स्थाई दांत होता है वो होता है 32, है ना। तो इसके ऊपर भी पूछ लो कि बचपन में छोटे बच्चे हैं, अगर हम कोई भी शिशु तो नहीं लेकिन कोई भी छोटा बच्चा है बाल्य अवस्था में कितने दूध के दांत होते हैं, तो 20 होते हैं, और जब यह 20 टूटेंगे तभी तो नए 20 डेंट होंगे। तो इसीलिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो यही क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि जो 20 दांत हमारे पहले उठ जाते हैं मिल्क टीथ, वो जब टूट गए तो वह दोबारा आए, जब दोबारा दांत आए ना, जब एक्स्ट्रा मोलर प्री मोलर जब एक्स्ट्रा हमारी बॉडी में आ रहा है तब यह फिर से बने। तो इसीलिए आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 20 दांत यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ अवर बॉडी, हमारी बॉडी का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है वह कौन सा है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इनेमल। पढ़ा चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ अभी कुछ क्वेश्चंस के पहले ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर मूव करते हैं। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ पर पाई जाती है, सबसे मजबूत मांसपेशी यहाँ पर कहाँ पर पाई जाती है। अब देखिए, अब आपका डाउट ना पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि मैम फीमर को आंसर करें या जबड़े को आंसर करें। देखिए बच्चा, जब भी आपसे पूछा जाए कि सबसे मजबूत हिस्सा, तो इनेमल है, कोई दिक्कत नहीं है, ताम्रचीनी है। सबसे मजबूत हड्डी हमेशा फीमर की ही होगी, जांघ की हड्डी की अगर हम बात करें तो जांघ की हड्डी ही सबसे मजबूत होगी, लेकिन सबसे मजबूत मांसपेशी कहां पर पाई जाती है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स कहां पर पाई जाती है। तो अब जो आप इतने देर से बहस से अपने दिमाग में चल रहा होगा तो वह अब आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछा जाए कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मांसपेशी कहां पर पाई जाती है तो आपका जबड़ा होता है, ये वाला पार्ट जबड़ा होता है, सबसे मजबूत वाला हिस्सा, जब मांसपेशी की बात चल रही है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स के बारे में बात चल रही है। बात समझ आ रही है, तो दोनों में अंतर समझ आया। अब तो किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, नहीं होगा ना किसी तरह का कंफ्यूजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है मैच करना है। ठीक है, मैच करना है, लिस्ट बनी हुई है, आपको मैच करके यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले आपको यह देखना है, एक तरफ लिखा है ब्रेस्ट बोन, फिर लिखा है कॉलर बोन, फिर लिखा है नी कैप, फिर लिखा है शोल्डर ब्लेड। तो जो नए स्टूडेंट्स मेरे से जुड़े हैं वो इस चैनल को जल्दी से यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरी डेली क्लास यहाँ पर 10 बजे से चलेगी। टाइम टेबल जो होगा वो बहुत ही जल्दी मैं आप लोगों का आज इवनिंग तक या फिर कल तक आपका लॉन्च कर दूंगी। और हाँ, इस चैनल में आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज भी मैं पढ़ाऊंगी 1 वीक के लिए। ठीक है, तो जरूर डेली आप लोग क्लास आइए, फ्री PDF में इसके प्रोवाइड कराऊंगी विद आंसर। इसके लिए आप मेरे टेलीग्राम जो ग्रुप है उससे जुड़ सकते हैं, साइंस हेवन नाम के ही टेलीग्राम चैनल है जिसमें अब तक लगभग 3,500 बच्चे जुड़ चुके हैं। तो अगर आपको फ्री में PDF चाहिए साइंस से रिलेटेड, जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगी वो आपको वहां पर मिलेगी, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर आज ही जुड़ जाइए। ठीक है, उसका जो लिंक है कल से आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने के लिए मिलेगा और मेरी PPT में भी लगा हुआ देखने के लिए मिलेगा, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है। और जो बच्चे कह रहे थे कि मैम एग्जाम के टाइम पे साथ छोड़ के चली गई, ऐसा कुछ नहीं है,
मैं आपके साथ हूँ, आपके बीच में हूँ। तो चलिए, तो इसका हम यहाँ पर आंसर करते हैं जल्दी से, कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अब किस तरीके से यह आंसर सही होगा उसको हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले बात, अगर हम यहाँ पर ब्रेस्ट बोन के बारे में बात करते हैं तो ब्रेस्ट बोन को टाई बोन भी कहा जाता है, लेकिन इसका जो असली नाम है वह है स्टर्नम। क्या है इसका असली नाम? स्टर्नम। इसका जो असली नाम है वह क्या है यहाँ पर? स्टर्नम। ठीक है, स्टर्नम इसका असली नाम है। तो जो अब जब आप अपनी छाती को देखते हैं, आपकी छाती में यहाँ पर एक पतली सी चपटी सी बोन दिखाई देती है, उसी को हम क्या कह रहे हैं? ब्रेस्ट बोन। तो ब्रेस्ट बोन, तो ये स्टर्नम। ठीक है, अभी जस्ट बताया मैंने। ठीक, नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर कॉलर बोन। कॉलर बोन है ना, इस तरीके से कॉलर बोन। कॉलर बोन की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा क्लाविकल बोन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? कॉलर बोन कहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर नी कैप। नी कैप की अगर आप बात करते हैं तो नी कैप क्या है? आपके घुटनों के ऊपर की जो कटोरी होती है, घुटना टोपी या कटोरी जिसको आप कहते हैं, वही नी कैप कहलाया जाता है। तो नी कैप क्या है? आपका पटेला। फिर आपका आता है शोल्डर, शोल्डर वाला हिस्सा। तो जो शोल्डर वाला हिस्सा होता है, शोल्डर बोन जो होता है, वो क्या कहा जाता है? स्कैप्यूला कहा जाता है। क्या कहा जा रहा है? स्कैप्यूला कहा जा रहा है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो इसीलिए जो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा वह कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, आप बताएंगे? डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, और इस पूरी क्लास के अंदर जो स्केलेटल सिस्टम से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आ सकते थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। साइंस हेवन सब्सक्राइब कर दीजिए और तुरंत जाकर के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, जहां पर जो कुछ भी क्लास मैं आपको कराऊंगी उसकी PDF आप लोगों को वहां पर मिल जाएगी। तो चलिए, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।